अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आर अनदर ब्लॉग खान सिस्टर। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, मतलब आज का ब्लॉगिंग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि मेरी मॉर्निंग किचन से ही होती है। तो मैं अभी आ गई हूँ नाश्ता बनाने, और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ चिला, क्योंकि बहुत दिन से पराठा भुजिया ये सब खाकर ना एकदम मन उब गया है। तो आज मुझे चिला खाने का मन है और मैं चिला बना रही हूँ। और आज है फ्राइडे, तो आप सभी को जुम्मा भी मुबारक हो। और फ्राइडे तो आपको पहले ही पता है कि फ्राइडे तो बहुत सारा काम होता है, और मेन है कि 9 तारीख को रबीउल अव्वल भी है, उसके लिए हमें सफाई भी करनी है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या काम है और क्या क्या करना है। तब तक मैं सबसे पहले पेट पूजा कर ली जाए, तो ताकि एनर्जी मिल जाए, उसके बाद हम काम करते हैं। तो अभी हम चार चीला बनाने, फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा चीला एकदम अच्छे तरीके से बन रहा है, और मैंने इसे बना दिया। और यहाँ पर मैंने पेस्ट भी बहुत सारा बना कर रखा है, क्योंकि हम लोग सबके लिए खाना है। तो मेरा चीला रेडी है, अब इसके बाद मैं इसे अच्छे से, और ट्रस्ट में गाइस, ये तवा लाने के बाद ना मेरा बहुत सारा काम तो ईजी हो गया। मतलब चीला वगैरह इसको बनाने में इतनी ईजी वे में मतलब हो जाता है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, और दूसरी तरफ ये सीख ही गया है। तो इसमें चिपकता नहीं, वरना मैंने चीला खाने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि तवा बहुत चिपकता था, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होता था। अभी मेरा चीला अच्छे से बन रहा है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कि रूम कितना ज़्यादा मैसी बना हुआ है। और मेरा भाई तो माशाल्लाह, उसको हर चीज़ें, मतलब अगर हम लोग साफ़ सुथरे भी रखेंगे तो उसको पूरा फैलाना रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रखता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेहनत करके इस रूम को एकदम साफ़ सुथरा बनाने, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रबीउल अव्वल आ रहा है, उसकी वजह से हमें पूरा सफाई करना है घर को। और हमारा नाश्ता भी हो गया, मतलब इन लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, बस मैं बची हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मैं भी नाश्ता कर लूँगी, मैं भी जा रही हूँ बर्तन धुलने। तब तक साहिबा इस रूम को सफाई करेगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये रूम सफाई होने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा। मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ, जैसा कि देख रहे हैं आप, सबको मैंने दे दिया और मैं नाश्ता लेकर आ गई हूँ। साहिबा रूम सफाई कर रही है, उसके बाद मैं भी नाश्ता करने के बाद जा रही हूँ सफाई करने, क्योंकि शाम में मुझे टाइम मिल नहीं पाता है, और सुबह में मुझे करना है जो भी सफाई है। तो मैं सफाई करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रूम साहिबा ने कितना अच्छे से कर दिया है, पूरा साफ़ सुथरा और पूरा एकदम क्लीन, अच्छे तरीके से बेडशीट वगैरह भी सब बिछा दिया है, और इधर भी। और एज़ यूज़ुअल मेरा वो लव भी एकदम अच्छे से शाइन कर रहा है। तो फिर अभी इस रूम को हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया है, अब हम जा रहे हैं बाकी रूम को फिनिश करने। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे। और ये रूम भी साहिबा ने एकदम अच्छे से सुथरा साफ़ सुथरा कर दिया है। और ये तीन स्टूडेंट जो मेरे सुबह में आते हैं, ये तीन आ गए हैं, इन लोगों को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। हेलो करो, हेलो हेलो। तो ये तीन स्टूडेंट आ गए हैं, मैं इन लोगों को जा रही हूँ पढ़ाने, फिर मैं मिलती हूँ आपसे आगे। देख रहे होंगे इन भैया को, ये भैया बहुत वेट करवाने के बाद आए हैं आज ये मेहंदी का अपना सैंपल दिखाने, बहुत ज़्यादा वेट करवाया। सबा की शादी में इन्होंने ही लगाया था, तो हाँ इनको मैं बुलाई हूँ। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम लोगों के यहाँ कुछ होने वाला है स्पेशल ओकेज़न, जिसको अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, आपको आगे देखना होगा उसके लिए हमारा वीडियो। तो भैया आए हैं, भैया हेलो बोल दीजिए। हाँ तो ये भैया हैं, और ये बहुत ही औसम और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाते हैं। फ्रेंड्स आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इनका कांटेक्ट नंबर अपने बायो में ज़रूर मेंशन कर दूँगी, आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। तीज हो, करवा चौथ हो, ये बहुत बेस्ट मेहंदी लगाते हैं। और ये देखिए मेरी पुप्पी बैठ के मेहंदी लगवा रही हैं। पुप्पी आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, वो हर लड़कियों को अच्छा लगता है मेहंदी उनके हाथ पे लगती है, तो ये उनके हाथ पे मेहंदी लग रही है। और अभी ये भैया लगा रहे हैं, फिर मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रही है, स्पेशल ओकेजन के लिए ये सारी तैयारियाँ हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है वीडियो में, मैं अभी आपको रिवील नहीं करूँगी क्या स्पेशल ओकेजन है, इसके लिए आपको हमारा चैनल पूरा देखना पड़ेगा। और हमारा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं अभी से आगे मिलती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आंटी के हाथों पे भी मेहंदी लग गई है, पीछे भी करी आंटी वाले हाथ को, जैसे देखिए आंटी के हाथ पे मेहंदी लग गई है, और इस हाथ पे भी मेहंदी लग गई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ओकेज़न है उसके लिए तैयारियाँ एकदम ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो फिर अभी आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपको हमारा वीडियो जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट ब्लॉग्स देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैं एकदम नहा के रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ कुरान की तिलावत करने, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे खाना खाना है, खाना खाने के बाद मुझे ट्यूशन निकलना है। तो फ्रेंड्स हाँ, और आपको तो मैंने बताया कि पूरी सफाई हो गई है सारा रूम का, साहिबा ने साफ़ सफाई कर दिया, कर्टेंस वगैरह और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया, सब कुछ हो गया, मम्मी खाना बना रही है।
और मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, कुरान की तिलावत करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सब देख सकते हैं कि मेरा भैया झंडा लेके लगा हुआ था बट अब दूसरा ले आया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तेज तेज हवा चले तो ये उड़े अच्छा लगेगा। देख सकते हैं मेरा भाई रबीउल्लाह होल के लिए लाकर झंडा लगा दिया है और मैं चली अब ट्यूशन के लिए, तो मैं अब वहाँ पर पहुँच कर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं रोज गार्डन पार्क पुत्री को घुमाने के लिए। यार चले चलिए हम लोग जा रहे हैं घूमने, तब हम लोग घूम कर आते हैं और हम लोगों को एक पार्टी में भी जाना है तो जल्दी आना पड़ेगा, इसलिए तब तक घूम कर आते हैं, वहाँ दिखाते हैं। स्टे ट्यून गाइस। फ्रेंड्स वहाँ देखिए ट्रेन के लिए तो ऐसी भीड़ है, लग रहा है मतलब कि सचमुच का वो ट्रेन कहीं छूट रही है, ऐसे सब बैठे जा रहे हैं उस पर। तो सब लोग घूम रहे हैं तो हम लोग भी क्यों ना इंजॉय करें, तो हम लोग भी इंजॉय करेंगे। तो देखते हैं हम लोग टाइम कब आता है। आपको जाना है ट्रेन से कहीं? अच्छा लग रहा है पार्क। नहीं नहीं आपको ट्रेन से कहीं जाना होगा तो बोलिए, हम छोड़वा देंगे। ज़्यादा पैसा नहीं लेता, बस 10 रुपये लेता है। अरे वो छोटा ना बच्चा, ट्रेन से बना फूट कुछ नहीं होगा, चलिए हम आज आपको बैठवाते हैं। फ्रेंड्स ट्रेन आ गई है हम लोगों की और यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम लोगों की ट्रेन आ गई, लग रहा सच में ट्रेन छूट रही है। तो फ्रेंड्स सब लोग बैठ चुका है और सबकी ट्रेन छूट रही है, भीड़ देख सकते हैं आप। बच्चा मिला यहाँ पर और ये देख सकते हैं आप कितना क्यूट है और हम लोग की ट्रेन छूट गई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको डर ना लग रहा था? नहीं लग रहा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बाद में आपसे। तो फ्रेंड्स हम लोग रोज गार्डन आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे तो हम रेस्ट करने लगे थे और आपसे शाम में कहाँ जाने लगे। तो हाँ जैसे आपको बताए थे कि हम लोगों को हकीके पार्टी में जाना था तो हम लोग तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं हिनप्पी और शबाना फूफी छोड़ने। और ये रही हिनप्पी और पीछे रही शबाना फूफी चप्पल पहन। ये मेरा आउटफिट और ये साहिबा का आउटफिट, हम दोनों ट्विंस बने हैं बट हम दोनों का कपड़ा कलर डिफरेंस है कितने। तो हम लोग दोनों ये अपने में ही अपनी तारीफ कर दिए। तो हम लोग अब जा रहे हैं निकलने फ्रेंड्स, फिर अब हम लोग आपको मिलकर वहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं। और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, मेरी मम्मी पीछे से बोल रही थी। फ्रेंड्स हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, चलिए हम लोग वहाँ पहुँच कर आपसे फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन रहा है चाउमीन और यहाँ बन रहा है चाट और उधर है चटनी। तो चलिए हम लोग लेने के बाद आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून गाइस। आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं अब घर जाकर आपसे मिलते हैं। ये हुआ था डेकोरेशन, तो चलिए हम घर जाकर आपसे मिलते हैं। स्टे ट्यून गाइस। फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को जाकर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको हम लोग मिलवाते हैं वो अभी हम लोगों के वीडियो के लिए भी बोलेंगी, वो बहुत शर्मीली नाम उनका शर्मीली देवी है जो कि आ गई हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए बाजी। तो ये आप हमारे चैनल को बोलिए सब्सक्राइब करेंगे जरूर, सब्सक्राइब करिएगा जी भी जरूर करिएगा। ठीक अल्लाह हाफिज़, दुआ में जरूर याद रखिएगा। Thank you.